हाथ जोड़ी रहे। श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर में मर्डर कर दिया और इसको सुसाइड का नाम दिया गया है। मेरे बेटे को क्या रहा फ्रैक्चर हुए है। मेरा बेटा अगर सुसाइड करता और छत से गिरता तो मेरे बेटे का सिर मुड़ जाता भाई। हो मेरे बेटे ने कोई सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। उस मर्डर की जांच में हमारा साथ दीजिए भाई। हो जिन लोगों ने मेरे बाजवाड़ा के जिन लोगों ने सीकर के जिन गढ़वाल जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मेरे बेटे की लड़ाई में आ गया है, उन सब की मैं आभारी हूँ। फिर मैं एक दर्द भरी माँ की पुकार है भाई, वो सुनिए। मैंने से मेरा अनिवेश खो दिया, आप आने वाले भविष्य में अपने अनिवेश को बचाइए। मेरे इस मर्डर केस के न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए, हमारे परिवार की मदद कीजिए। मेरे लाटले को न्याय दिलाइए, मैं तो मेरे बेटे को काबिल डॉक्टर नहीं बना भाई। मुझे इसका ताव मुझे बलाल रहेगा, लेकिन आपके दोनों प्राणों को किसी रक्षा के लिए आगे आइए। उसके लिए आपको शायद सड़कों पर उतरना पड़े, सिस्टम से लड़ना पड़े, लड़िए और मेरे बेटे को न्याय दिलाइए। ए यही एक माँ की पुकार है, सुनिए और हमारा साथ दीजिए। ठीक है, मुझे बोलो। अगर मेरा बेटा सात मंजिल से कुत्ता तो उसका कचुम्बर निकल जाता, मेरे बेटे को कहीं मार करके वहां पर लिटाया गया था और मेरे पे पहुंचने से पहले मेरे बेटे के बॉडी को वहां से हटा करके भूलता घर में रखवा दिया था भाई। मेरी चावत ही नहीं ली गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। माँ बाप को पीड़ा हुई थी अपने बेटे की लाश के उठा लिया उन्होंने उस प्रशासन की साजिश से, उसमें प्रिंसिपल और वार्डन भी शामिल है। मेरे बेटे को सीनियर बच्चे ने जरूर टॉर्चर किया है। मेरे बेटे को न्याय दिलाई है, मेरे को क्लू मिला है कि रविवार को किसी शादी की बर्थडे पार्टी थी, उसमें क्या हुआ क्या नहीं, मेरे बेटे को टॉर्चर करके कुछ मांग गया हो और उसने नहीं दिया या उसके पास नहीं हो सकता है तो मेरा बेटा कैसे देता। वो चाहिए मेरे को न्याय दीजिए और आने वाले भविष्य में काबिल बच्चों को इसी तरह मार कर फेंक दिया जाएगा। अगर हमारा साथ नहीं दिया तो आज हमारे साथ लड़िए, हमारे साथ खड़े रहिए भाइयों और बहनों, जो कोई भी मेरी पुकार सुने हमारा साथ दीजिए। मैं सीकर पुलिस की भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने हमारे इन थके हारे कदमों को आगे बढ़ाया, हमें हौसला दिया, हमारा सहारा बने, हमने हमारी जो भी मांग रखी उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें उन्होंने हमें आदत किया है कि एक बहन आप हम पर भरोसा रखना, हम आपके बेटे की जांच में निष्पक्ष जांच करेंगे। मेरे भरोसे का मत तोड़िए प्लीज, देखिए आपका दर्द सुनिए प्लीज। मेरे अनिवेश के साथी जहाँ कहीं भी हो, अगर मेरे बेटे ने आपको कुछ बताया हो तो प्लीज हमारी मदद करना। मेरे अनिवेश के सारे दोस्त चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, कॉलेज कर रहे हो, एचसीसी बीएड कुछ भी कर रहे हो, मेरे अनिवेश के न्याय के लिए आगे आइए। मेरे अनिवेश के न्याय के साथ लिए हमारा साथ दीजिए। मैं हमारे मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने भी हमारा साथ दिया है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, डरिए मत बच्चे। इस बेटे की हिस्ट्री को इस मर्डर का खुलासा जरूर करूंगी मैं, उनकी भी रिनी हूँ। फिर भी मैं सर आपसे निवेदन करती हूँ मेरा साथ दीजिए और मेरे बेटे को न्याय दिलाइए प्लीज। मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ, आप अपने बेटे की सुरक्षा के लिए आगे आइए। सबके बेटे काबिल और अफसर बनना चाहते हैं, मैंने क्या घटा कर दिया एक सपना देख करके। अभी जिन जिन बच्चों का नीट का काउंसलिंग होगा उन माओ से मैं कहना चाहती हूँ, मैंने तो मेरा लाभ खो दिया कि आप सीकर भेजोगे मैं
मैं दरिद्रों के बीच में अपने लाल को भेजना चाहोगे? एक बार सोचिए और हमारा साथ दीजिए। एक बार सोचिए क्या आप खोना चाहते हो अपने लाडलू को, अपनी लाडली को खोना चाहते हो क्या? हमारा साथ दीजिए प्लीज, किसी भी समाज का, जाति का, धर्म का, हमारा साथ दीजिए। मीडिया की बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस माँ के दर्द को बयां किया, उसके दर्द को मीडिया में हौसला देने के काम किया, हमारी मदद की, हमें साथ दिया, उसके लिए मेरी ऋणी हो। फिर भी मैं निवेदन करती हूँ मीडिया से कि मेरा साथ दीजिए और हमारी पुकार को आगे तक पहुँचाइए, सिस्टम तक आगे पहुँचाइए, चाहे वो कितना भी काबिल और ताकतवर हो, मुझे मेरा न्याय दिलाने में मीडिया मेरी मदद करे। मदद करने के लिए धन्यवाद। फिर एक बार मैं आपसे वादा करती हूँ, इस माँ की मदद करिए प्लीज। जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाइए, चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट सीट पे हो, मेहनतगर सीट पे हो, अच्छा कमजोर हो पढ़ाई में, फिर भी उस बच्चे को, उस मर्डर को सुसाइड का नाम नहीं दिया जाए। हमने क्या गुनाह कर दिया? उस कॉलेज में 50 बच्चे मैनेजमेंट सीट पर पढ़ रहे हैं। अगर मेरा बच्चा मैनेजमेंट सीट पर पढ़ता है तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? प्लीज इस वीडियो को मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाइए मेरे भाई और बहनों। प्लीज इस बेसहारा माँ की आवाज सुनिए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, इसको वायरल कीजिए, हमारा साथ दीजिए।